हमने आपका नमक खाया है। आप जो टैक्स देते हैं उस टैक्स के पैसे से हमने दिन रात पढ़ाई करके पीएचडी की है। हमारा बाप अमित शाह थोड़ी था कि हम बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाएंगे, हैं? तो जब हमने आपका नमक खाया है तो हम जानते हैं इस देश की हकीकत क्या है। इस देश की हकीकत यह है कि महात्मा गांधी विदेश में पढ़ाई किए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वो भारत आए और मोहनदास करमचंद गए बिहार, और बिहार में किसान के आंदोलन में शामिल हुए चंपारण में, और बिहार के किसानों ने करमचंद को महात्मा गांधी बना करके भेज दिया, और वो गांधी सूट खोल दिए देश के लिए। वो भी गुजरात से थे। एक गुजरात के गांधी सूट खोल दिए देश के लिए, एक गुजरात के मोदी 10 लाख का सूट पहन लिए दोस्त के लिए। यही हकीकत है ना। और कहते हैं कि एक गरीब प्रधानमंत्री बन गया है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस हम ये चाहते हैं कि जैसे आप गरीब हैं ना, वैसा ही गरीब इस देश का हर कोई बन जाए। हर कोई वैसा ही गरीब बन जाए कि चढ़ने के लिए उसके पास 8.5 करोड़ का हवाई जहाज हो, 15 करोड़ का कार हो, 10 लाख का सूट हो, 5 लाख का चश्मा हो, 2.5 लाख का कलम हो। हम चाहते हैं कि ऐसी गरीबी पूरे देश को मिल जाए। चोरी, इसको चोरी कहते हैं, इसको बेईमानी भी कहते हैं, इसको कहते हैं आंख में झूठ झोंकना, और ये हमारे आंख में झूठ झोंक रहे हैं। यह लड़ाई दो तरह के सोच के बीच की लड़ाई है। एक तरफ वो है जो दिन दहाड़े बिना किसी लाग लपेट के झूठ बोलते हैं, दूसरी तरफ हम तमाम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा जो सच बोलते हैं। पहली लड़ाई है झूठ और सच की, दूसरी लड़ाई है डर और साहस की। बताइए, शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गया। झूल गया कि नहीं झूल गया? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद झूल गए कि नहीं झूल गए? और आप जान लीजिए, जितने क्रांतिकारी थे उनका केस अगर कोई लड़ता था तो उस वकील का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था, इस बात को याद रखिएगा। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, हमारे इतिहास को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जो क्रांतिकारियों की परंपरा है जो वीरता के साथ खड़ी होती है, तो एक तरफ अंग्रेजों से माफी मांगने वाले डरपोक लोग हैं, एक तरफ अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले, जासूसी करने वाले डरपोक लोग हैं, दूसरी तरफ हम साहसी और बहादुरी लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो दूसरी लड़ाई है साहस और डर का, और तीसरी लड़ाई है कि वो समाज को हमेशा बांटने का काम करते हैं, हमेशा। कभी जात के नाम पे बांटेंगे, कभी धर्म के नाम पे बांटेंगे। जहां धर्म होगा वहां धर्म का झगड़ा लगाएंगे, जहां धर्म नहीं होगा वहां जात का झगड़ा लगाएंगे। आप मणिपुर का उदाहरण देख लीजिए, वहां आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं कि नहीं लड़ा रहे हैं। आप हरियाणा का उदाहरण उठा करके देख लीजिए, वहां कैसे लोगों को लड़ाने की कोशिश की गई। आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, तमाम राज्यों में ये राज्य के जो लोग हैं उनको आपस में बांटते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से इन्होंने एक चालाकी सीखी है, फूट डालो राज करो। हमने आपका नमक खाया है। आप जो टैक्स देते हैं उस टैक्स के पैसे से हमने दिन रात पढ़ाई करके पीएचडी की है। हमारा बाप अमित शाह थोड़ी था कि हम बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाएंगे, हैं? तो जब हमने आपका नमक खाया है तो हम जानते हैं इस देश की हकीकत क्या है। इस देश की हकीकत यह है कि महात्मा गांधी विदेश में पढ़ाई किए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वो भारत आए और
मोहनदास करमचंद गए बिहार और बिहार में किसान के आंदोलन में शामिल हुए चंपारण में, और बिहार के किसानों ने करमचंद को महात्मा गांधी बना करके भेज दिया और वो गांधी सूट खोल दिए देश के लिए। वो भी गुजरात से थे, एक गुजरात के गांधी सूट खोल दिए देश के लिए, एक गुजरात के मोदी 10 लाख का सूट पहन लिए दोस्त के लिए। यही हकीकत है ना। और कहते हैं कि एक गरीब प्रधानमंत्री बन गया है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस हम ये चाहते हैं कि जैसे आप गरीब हैं ना, वैसा ही गरीब इस देश का हर कोई बन जाए, हर कोई वैसा ही गरीब बन जाए कि चढ़ने के लिए उसके पास 8.5 करोड़ का हवाई जहाज हो, 15 करोड़ का कार हो, 10 लाख का सूट हो, 5 लाख का चश्मा हो, 2.5 लाख का कलम हो। हम चाहते हैं कि ऐसी गरीबी पूरे देश को मिल जाए। चोरी, इसको चोरी कहते हैं, इसको बेईमानी भी कहते हैं, इसको कहते हैं आंख में झूठ झोंकना, और ये हमारे आंख में झूठ झोंक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।